मैं इनकलाब टीवी के एंकर और राइटर फोटोग्राफर यानी कि ऑल इन वन जनाब अजीम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे हर प्रोग्राम में यहाँ पर आते हैं, हम फनकारों को जो है कवरेज करके आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो इनकलाब टीवी देखते रहिए क्योंकि बहुत अच्छी इनकी कोशिशें हैं। तो हम लोग एक 1990 से अजीम भाई 1989 से मैं जो है स्टेज ड्रामे लिखता हूँ और करता हुआ चला आया, और उसके बाद हैदराबाद का एक ड्रामा था अदरक के पंजे करके, वो ड्रामे के अंदर मैं काम किया हूँ और वो काम के ज़रिए पूरा हिंदुस्तान घुमा हूँ। उसमें मुख्तलिफ किरदार करता था, मुझे शौक करा। अभी मैं जो है कौमी यकजहती और जो रियासत तेलंगाना में पढ़ाई स्कीम हमारे CM KCR साहब जो चला रहे हैं, तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए दास्तान गोल्डन तेलंगाना बोलकर जो है एक ड्रामा लिखा हूँ, जिसका पहला शो मैं 23 जनवरी 2023 को इसी साल 13 जनवरी को इसी थिएटर रविंद्र भारती में किया हूँ। और काफ़ी हैदराबादी शाखिन की हौसला अफजाई हम सभी फनकारों को मिली है, काफ़ी सराहा उन्होंने इस ड्रामे को, और ये कौमी यकजहती और फलाही स्कीमात पर मबनी ड्रामा था। क्योंकि देश के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं और उसके बरक्स जो हमारी रियासत तेलंगाना की हिंदू मुस्लिम भाईचारे और यहाँ की बेपनाह तरक्की का सहरा मैं हमारे CM KCR साहब के सर मानता हूँ, यहाँ की तरक्की, यहाँ की कौमी यकजहती, हिंदू मुस्लिम भाईचारे, अमन व अमान की मिसाल न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया को देनी चाहिए ऐसी हुकूमत की मिसाल। तो इसी तरह से मैं ड्रामा दास्तान गोल्डन तेलंगाना 13 जनवरी को किया था, अब फिर मुझे थिएटर दिए हैं 15 नवंबर 2023 को रविंद्र भारती थिएटर में ये ड्रामा है। इंशाल्लाह फिर अभी सभी फनकारों के साथ हमारे साथ फनकारों के साथ पेश करूँगा। और इनकलाब टीवी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, पिछली मरतबे भी इन्होंने कवरेज करके हमको आप तक पहुँचाया था और आज भी अजीम भाई मुझे कवरेज करके आप तक पहुँचा रहे हैं। तो अजीम भाई आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू। अभी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ज़्यादा हो गई, इसकी वजह यह है कि मैं जिन फनकार को बचपन से देखता आया हूँ अल्लाह ने इनको फन से ही नवाजा, और वही एनर्जी जो आज से 35 साल पहले देखता था आज भी। हाँ सर, सब आपका इनकलाब चैनल पर मेरे चेहरे पर एकदम खुशी में इजाफा हो गया। इसकी वजह यह है कि 25 घंटे एक प्रोग्राम हुआ था, यानी कि 25 घंटे नॉन स्टॉप अपने फन का मुजाहरा करने वाले वो फनकार मिस्टर खुसरो, जो हैदराबाद में जन्म लिए, हैदराबाद का ही नाम रोशन नहीं किए बल्कि हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक में भी अपने फन के जरिए हैदराबाद की एक अलग पहचान बनाई है। आज इत्तेफाक से मेरी खुशनसीबी है कि ऐसे अजीम फनकार के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इस फनकार को देखने के लिए हम खुद टिकट लेकर जो है बैठा करते थे। आज मैं बड़ी खुशी और एहतराम के साथ उस अजीम फनकार को बुला रहा हूँ। जनाब खुसरो भाई, अपने कुछ ख्याल का इजहार कीजिए। अजीम भाई का ये कहना है, चलिए अब मेरा काम है। डांस मास्टर खुसरो हैदराबाद का है। आज हामिद कमाल 50वां गोल्डन जो भी शो कर रहे हैं उसमें मेरा स्पेशल एक्सपीरियंस है। मेरा नाम डांस मास्टर खुसरो है, मैं 25 घंटे डांस कर रहा हूँ, अब यहाँ पर डांस करने के लिए आया हूँ। शुक्रिया।